अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका स्टार से, अब इंडियन बैटिंग की जो समस्याएं हैं इस पूरी सीरीज में जो नजर आई, और काफी लंबे समय से नजर आ रही हैं, इंडिया की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग वोज हैं, उसका सोल्यूशन आप कहाँ देख रहे हैं? और हैव बी सीन द लास्ट लास्ट ऑफ पुजारा एंड रहाने, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, इस मिडिल ऑर्डर में अब कब, यू नो, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट, मतलब कैन वी एक्सपेक्ट सम चेंजेस आफ्टर दिस सीरीज, स्पेशली फॉर पुजारा एंड रहाने? आई थिंक सो। आई थिंक शायद कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स और हेड कोच और कैप्टन को कहीं ना कहीं बैठ के सोचना पड़ेगा कि यू नो हाउ हाउ वी आर लुकिंग टू यू नो लुक एट थिंग्स फॉर फ्यूचर, क्योंकि इसके बाद हम श्रीलंका के साथ दो टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, और उसके बाद में कोई ऐसे एज सच टेस्ट सीरीज नहीं है। उसके बाद हम सीधा इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच खेलेंगे। तो आई थिंक दे उन लोगों को सोचना चाहिए कि मतलब कौन है जो उनको रिप्लेस कर सकता है और क्या करना है, क्योंकि डेफिनेटली जो नाम जो सामने आते हैं वो है शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, अगेन जो बहुत अच्छा खेले थे सेकंड टेस्ट मैच, अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली की वजह से बाहर बैठे, सूर्य कुमार यादव, यू नो दोज आर द गाइज, दे कैन पॉसिबली यू नो रिप्लेस दोज गाइज। तो आई थिंक समवेयर आई फील द थिंक टैंक नीड टू सिट डाउन एंड टेक अ कॉल, बिकॉज विदाउट अ डाउट चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, दे सर्व्ड इंडियन क्रिकेट यू नो रियली रियली वेल। अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट बीन एज कंसिस्टेंट फॉर लास्ट यू नो कपल ऑफ इयर्स जितना उनको चाहिए था, यू नो बिकॉज दे हैव यू नो स्कोर्ड रियली रियली टफ रन फॉर इंडिया इन द पास्ट, बट लास्ट कपल ऑफ इयर्स हैज नॉट गॉन द वे एज दे वुड हैव वॉन्टेड और यू नो द फैंस वुड हैव वॉन्टेड। तो कहीं ना कहीं द थिंक टैंक नीड टू सिट डाउन एंड टेक अ कॉल के हु आर द गाइज दे आर लुकिंग टू रिप्लेस। तो